हेलो दोस्तों, जीकप 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए होंगे, है ना। तो उनके लिए, जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम अच्छे गए हैं या नहीं गए हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आ गया हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है या अच्छा ही गया है, यानी आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 200 या 200 नंबर क्लास नहीं हो रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिन स्टूडेंट को उम्मीद है कि मेरे 100 नंबर तक आ जाएंगे, 150 नंबर तक आ जाएंगे, 200 नंबर तक आ जाएंगे, इतने में कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, उसको लेकर यहाँ पर ये सब डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देखो, बात कर लूँ कि अगर आपके जीकप 2024 के एंट्रेंस एग्जाम दे चुके होंगे तो सबसे पहले आप लोग की इच्छा होगी कि सर आपका रिजल्ट कब आएगा, जीकप 2024 का रिजल्ट कब आएगा। तो जीकप 2024 का रिजल्ट आपका 1 तारीख को आएगा, जल्दी से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 1 जुलाई को आप लोग का रिजल्ट आएगा, ओके। उसके बाद आपकी आंसर की कब आएगी, आंसर की आपकी 22 तारीख तक आपकी आंसर की आ जाएगी, 22 जून तक, ओके। चलिए, यहां पर जो मेन बात है कि एग्जाम सर खराब चला गया है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना खराब गया है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आप लोग तुक्का मार कर आए हैं, है ना। मुझे पता है आप लोग यही कर आए होंगे क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे टॉप कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहा हूं और कंप्लीट भी हो चुका है, ओके। तो यहां पर मैं अगर बात करूं, आपने अगर 30-40 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तुक्के से, समझ गए, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं, आपने 100/100 क्वेश्चन कर आए होंगे तो 30-40 क्वेश्चन तो ऑलरेडी सही ही होंगे। तो 30 क्वेश्चन सही कर लेते, 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तब भी आपके 100+ स्कोर आपका हो जाएगा आराम से, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं, आपको कोई टेंशन है थी नहीं, तो आपका कम से कम 100+ स्कोर तो आराम से आ रहा होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर 100+ स्कोर में हमें कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो आपको 100 कॉलेज, आप अगर पास हैं, सिर्फ आपके 25 नंबर है दोस्तों, है ना, आपके सिर्फ 25 नंबर, क्योंकि 25+ नंबर वाले क्वालिफाई होते हैं काउंसलिंग के लिए, वही स्टूडेंट को कॉलेज मिलता है जिनके स्टूडेंट के नंबर 25 से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम, 25 नंबर ले आए हैं, कम से कम आपने 6-7 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं, 100 में से 6-7 क्वेश्चन तो कॉमन है आपने सही कर लिए होंगे, अगर आपने तुक्का भी मारा होगा तब भी सही कर लिए होंगे, ओके। तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर मेरे 100 नंबर है, 150 नंबर है, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं उनको एक बार कन्फर्म कर देना चाहूँगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज 110% मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में बहुत सारी सीटें हैं, कम से कम 40-50 हज़ार सीटें हैं, ओके। तो सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट के 70-80 नंबर वालों को कॉलेज मिला था, तो अब की बार भी मिल जाएगा, बस आप लोग को काउंसलिंग एक अच्छे तो लॉजिक तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्योंकि मेन होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग अगर आपने सही कर लिया दोस्तों तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी होते हैं जो लोग काउंसलिंग नहीं कर पाते और अच्छे नंबर होते हैं, 200 नंबर होते हैं, 250 नंबर होते हैं और काउंसलिंग सही से नहीं कर पाते, जिनसे उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो काउंसलिंग कर लेते हैं लेकिन उनको क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करवाते हैं और उनको कॉलेज मिल जाता है, 50 नंबर 100 नंबर पर भी कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके नंबर नहीं मैटर करेंगे, यहाँ पर मेन मैटर करेगा आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसे होगी दोस्तों, काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। देखो, एक एक्सपर्ट के पास जाकर आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा, काउंसलिंग हमारे द्वारा भी होती है। अगर आप लोग को काउंसलिंग या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, 9170-32-20-43, है ना, 9170-32-20-43 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आप लोग को काउंसलिंग में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप लोग की काउंसलिंग करवा दी जाएगी और आप लोग के एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी दिलवा दिया जाएगा, ओके। तो आई थिंक आपका सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर हुए तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि आपका साथ हम तब तक देने वाले हैं जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं जाता। हमारा एक ही गोल है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना, और आपका भी एक गोल होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही चाहिए, एक साल आपको बर्बाद नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर काउंसलिंग से रिगार्डिंग हर एक न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।